कश्मीरियों के ऊपर जो जो हम आज हमारे पे जुल्म हो रहा है ये कश्मीरी 30 साल से हो रहा है उनके ऊपर। उनके भी घरों में घुस जाती है रात को पुलिस, लोग उठा के ले जाते हैं, नौजवानों को उठा के ले जाते हैं, जेलों में डाल देते हैं, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। जब इंसानों के अंदर एक आइडिया आ जाता है आजादी का, वो आप खत्म कर ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी जुल्म और तशद्दुद करें ये आइडिया खत्म नहीं होने लगा। अगर ये आइडिया खत्म होना होता तो मकबूजा कश्मीर में आज वो हाथ खड़ा करके और आराम से चुप करके कबूल कर लेते हिंदुस्तान की गुलामी। लाख से ऊपर कश्मीरी शहीद हो चुका है कश्मीरियों के ऊपर, जो जो हम आज हमारे पे जुल्म हो रहा है ये कश्मीरी 30 साल से हो रहा है उनके ऊपर। उनके भी घरों में घुस जाती है रात को पुलिस, लोग उठा के ले जाते हैं, नौजवानों को उठा के ले जाते हैं, जेलों में डाल देते हैं, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। उनके भी कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उनके सारे लीडरों को बंद कर दिया है, वहां भी मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जिस वक्त मौका मिलेगा कश्मीरियों को अपनी आवाज सुनाने का, एक आवाज से सारा कश्मीरी कहेगा आजादी, एक आवाज से कहेंगे आजादी। इन्होंने जितनी बर्बरियत की है हिंदुस्तान ने वहां, उसका क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ है कि जो प्रो इंडियन पॉलिटिशियन थे वो ही खत्म हो गए हैं। अब जो इंडिया की बात करता है उसको कोई वोट ही देने के लिए नहीं तैयार। तो बजाय वो उनको यानी कामयाब होने के, उन्होंने और ही कश्मीरी लोगों को आजादी की तरफ धकेल दिया।